सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेकंड डे है हमारा उदयपुर में, और अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस घूमने के लिए। और सिटी पैलेस जाने के लिए हम ऑटो लेंगे, क्योंकि कार लेके वहाँ जा नहीं सकते, बहुत नैरो लेन है वहाँ पे। तो अभी 8:30 बजे है, अभी नीचे उतर के ऑटो लेंगे और जाएंगे सिटी पैलेस। देखिए मेरे पीछे है ये पालीवाल कचौरी वाले। ये कचौरी खाने के लिए हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले टेस्ट करते हैं कचौरी। तो यहाँ आने से पहले हमने ये कचौरी का बहुत नाम सुना था, और इनकी शॉप सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, एंड सिटी पैलेस घूमने में 2-3 घंटे आराम से निकल जाएगा। तो पहले हैवी ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी खाते हैं गर्मा गर्म कचौरी, बाद में जाएंगे सिटी पैलेस। सच में टेस्ट बहुत अच्छा है, पर गरम गरम है तो थोड़ी गर्मी लग रही है, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी चटनी के साथ थोड़ी ज़्यादा तीखी लग रही थी, तो अभी बिना चटनी के भी एक और टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये कचौरी का टेस्ट इतना अच्छा लगा कि दूसरी कचौरी अब खाएंगे। दूसरी एक दर्जन ये कचौरी हम दोनों को सच में बहुत ही अच्छी लगी। ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है हमारी तरफ से। अगर आप सिटी पैलेस आते हो या ओल्ड सिटी में आते हो, तो यहाँ पक्का कचौरी टेस्ट करना, मेरी गारंटी है। कचौरी खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी ब्रेकफास्ट हो गया दबा के, और अभी जा रहे हैं सिटी पैलेस। 9:30 का टाइम हुआ है, तो अभी एकदम परफेक्ट टाइम पे हम हैं। तो यहाँ से सिटी पैलेस नज़दीक ही है, तो चलते चलते जाएंगे सिटी पैलेस। तो अभी हम एंटर हो गए सिटी पैलेस में। ये गाइड है जो हमको पूरा पैलेस अच्छी तरीके से घुमाएंगे। अगर आप आते हो सिटी पैलेस, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गाइड कर लो, क्योंकि वो आपको सब डिटेल में समझाएंगे, तो ही उसका मतलब है। बाकी आप ऐसे ही आके चले जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मेरा नाम है प्रदीप शेखावत, मैं सिटी पैलेस म्यूज़ियम गाइड हूँ, और अभी आप लोग मेरे साथ पूरा महल देखेंगे। और आप जो महल देखने जा रहे हो, ये हिंदुस्तान का नहीं, विश्व के अंदर अपनी पहचान रखता है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से आप राजस्थान के इतिहास को अलग कर देते हो, तो कुछ भी नहीं बचता। और राजस्थान के इतिहास में अगर मेवाड़ के इतिहास को अलग कर दिया जाए, तो शून्य नज़र आएगा। ये धरती जहाँ पे आप खड़े हैं, मेवाड़ की पावन धरती, महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुषों की धरती, हज़ारों असंख्य शहीद जिस मिट्टी के लिए हुए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए उस मिट्टी के ऊपर। और आप जो महल देख रहे हैं, इस पूरे महल को बनने में 400 साल का समय लगा। और इस महल को बनाने वाले जो राजा थे, जिनका नाम था उदय सिंह जी, जिन्होंने इसको बनाना प्रारंभ किया। उदय सिंह जी का जो परिवार था, पहले चित्तौड़ का शासक था। एक समय ऐसा आया कि चित्तौड़ मुगलों के अंडर में चला गया, तो एक नई राजधानी की जरूरत थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल जंगल था। और जंगल में जब वो आए, तो जब ये आप 3 दरवाजे से घुस के आए, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है 3 दरवाजे, तो आगे एक वाइट स्टोन लगा हुआ था, जहाँ पर उदय सिंह जी ने खरगोश का शिकार किया। शिकार किया तो ये राजा का महल पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। तो एक जगह धुआं उठ रहा था, उदय सिंह जी ने जाके देखा तो एक साधु तपस्या कर रहे थे, नाम था प्रेमगिरी गोस्वामी। उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि आप महल यहाँ बनाएंगे तो आपका वंश लंबा चलेगा और सुरक्षित रहेगा। तो उन्हीं के आशीर्वाद से महल बनना स्टार्ट हुआ 1559 में, और पूरा महल कम्प्लीट हुआ 1931 में। अभी आप जो देख रहे हैं, केवल 60% पार्ट है, 40% जो पार्ट है उसमें अभी जो प्रेजेंट राजा है हमारे महाराणा प्रताप की 23वीं पीढ़ी, इनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनका रेजिडेंस है। पीछे 2 होटल है, शिव निवास फतेह प्रकाश, एक ट्रस्ट के द्वारा बच्चों का स्कूल चलता है, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल। और जिस कोर्टयार्ड पे आप खड़े हो, ये माणक चौक कहलाता है,
पुराने टाइम में राजाओं का पब्लिक मीटिंग यहाँ पे होती थी, दरबार लगा करता था। आज भी तीन बड़े फंक्शन होते हैं, होलिका दहन का फंक्शन है, एक चेतक की याद में अश्व पूजन होता है, घोड़े की पूजा, वो फंक्शन होता है जिसमें पूरा राज परिवार आता है, और एक होता है अवार्ड फंक्शन। इंडिया लेवल के अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे प्लेयर, ऐसे 54 अवार्ड राजाओं के नाम पे यहाँ दिए जाते हैं। और ये जो जगह अपन चल रहे हैं इस महल को देखने के लिए, ये वॉल देखिए सामने, पहले यहाँ पे हाथियों की लड़ाई होती थी राजा के बर्थडे पे। लड़ाई कैसे होती है, एक हाथी दीवार के अंदर खड़ा करते एक बाहर की तरफ, और ट्रंक से खींचता सूंड से टगा फार की तरह, जिस हाथी के दीवार के पैर टच हो गए वो हार गया, और जीतने वाले हाथी को बैठने का मौका मिलता। तो ये हाथी के बैठने की जगह है, जो आपको ये लगी हुई है ना, जंजीरें लगी हुई है, तो ये हाथी बांधने की जगह है। तो देखिए इस महल में दो पोर्शन है, राजा का महल और रानी का महल। देखिए यहाँ से अपन एंटर हो रहे हैं राजा के महल में। जगह का नाम है दरी खाना की पोल, पोल बोला जाता है दरवाजे को, दरी खाना बैठने की जगह। ऊपर देखिए मेवाड़ का राज्य चिन्ह लग रहा है, बीच में चित्तौड़ का किला है, एक तरफ ट्राइबल एक तरफ राजपूत। नीचे एक वाक्य लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जिसका मतलब होता है जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। अब ये जो कोर्टयार्ड है गार्डन, यहीं पे आज भी सारे फंक्शन होते हैं, होलिका दहन से लेके अश्व पूजन अवार्ड फंक्शन सारे यहीं पे किए जाते हैं। सामने चेयर्स दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम होता है 7 से 8 बजे। अभी बारिश के मौसम में नहीं होता है, बाकी साल भर चलता है। पहले राजा बाहर जाते तो यहाँ पे घोड़े पे सवार होते, और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से हाथी पे सवार होने की जगह, तो हाथी पे बैठने की जगह यहाँ से, घोड़े पे यहाँ से जाते। तो यहाँ से अपन एंटर करेंगे सबसे पहले राजा का महल, मर्दाना महल। अभी के राजा भगवान सूर्य से 232वीं पीढ़ी में, अभी जो राजा हैं श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़। और इधर आप देखेंगे चित्तौड़ से काउंट करेंगे तो देखिए 52 नंबर तक के राजा हुए चित्तौड़ में। तो फर्स्ट कैपिटल थी नागदा उदयपुर के पास में, सेकंड चित्तौड़, थर्ड उदयपुर। और 53 पे महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की। अभी उदय सिंह जी से काउंट करेंगे तो अभी के राजा 24वीं पीढ़ी चल रहे हैं, श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़। और वहाँ से आप चित्तौड़ से काउंट करते हैं गोहिल से, तो अभी के जो राजा हैं वो 76 जनरेशन है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम राजवंश है ये वाला। कौन से जनरेशन है? 76 चित्तौड़ से काउंट करने में। अब यहाँ से एंटर करेंगे अपन राजा के महल में। और ये महाराणा सांगा उदय सिंह जी जिन्होंने बसाया, उनके पिता मीराबाई के ससुर और महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर थे। इन्होंने अपने जीवन में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, सारे युद्ध जीते। आखिरी युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध बाबर के साथ। बाबर लाया था गन पाउडर, जिनसे इनका एक हाथ चला गया था, शरीर में ऐसे 80 घाव थे। तो ये काफ़ी महान योद्धा हुए जिनके नेतृत्व में भारत के सभी राजा महाराजाओं ने मुगलों के साथ युद्ध किया था। यहाँ से अपन एंटर करेंगे राजा के महल में। ओम सस्यन हेन्द्रो वृस्वा सस्यन पूषा विश्वेदाह सस्यन रक्षोदिष्ट नेमि सस्यनो बृहस्पति धातु ओम गणपते नमः। तो ये गणेश जी भगवान की मूर्ति 400 साल पुरानी, और ये आगे लक्ष्मी जी की मूर्ति भी 400 साल पुरानी, गज लक्ष्मी की मूर्ति है। इधर मंदिर है साधु प्रेमगिरी जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से ये महल बना हुआ है। और इधर रूम है महाराणा प्रताप का, और इधर पेंटिंग लगी है हल्दी घाटी की। तो सबसे पहले आपको हल्दी घाटी का युद्ध दिखाते हैं, महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, अकबर के साथ पहला। अब देखिए पेंटिंग 1935 की बनी हुई है। ये युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध था अकबर के साथ, अकबर नहीं आया। इस युद्ध में आए आमेर के राजा मानसिंह जी, जो हाथी पे सवार हैं, घोड़े पे महाराणा प्रताप। मानसिंह जी की सेना लगभग 1,00,000 सैनिकों की, महाराणा प्रताप की सेना 20,000 सैनिकों की, 5 गुना सेना के साथ मुकाबला हुआ। जगह उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। एक दिन के युद्ध में 18,000 सैनिक दोनों सेनाओं के मारे गए। ये देखिए स्टेचू महाराणा प्रताप की, और तलवार रखी हुई है, तीर कमान है, शील्ड है, एक बंदूक रखी हुई है। तो ये महाराणा प्रताप का रूम रहा। महाराणा प्रताप का कुछ समय यहाँ निकला, राजा बनने के बाद इस महल में नहीं रहे। राजा बनने के बाद उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेवाड़ को जब तक मुगलों से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं एक आम नागरिक की तरह रहूँगा, किसी तरह का राजशाही ठाटबाग जीवन में नहीं भोगा। और पूरा जीवन उनका युद्धों में निकला, 21 साल तक कर लगभग अकबर के साथ युद्ध चला। ये देखेंगे वेपन्स की फोटोग्राफ्स भी लगी हैं यहाँ पे। सबका वेट है 35 किलो। कवच देखिए 5.5 से 6 फीट की हाइट है, इससे आपको आइडिया लगेगा उनकी हाइट थी 7.2 के आसपास। और हमेशा 2 तलवार रखते थे महाराणा प्रताप युद्ध में, एक तलवार खुद के लिए, कोई निहत्ते पे वार नहीं करते, दुश्मन के पास हथियार नहीं तो लड़ने के लिए देते। और ये रूम्स अभी रेनोवेट किए हैं, फ्लोरिंग चेंज है, प्लास्टर नया है, बाकी बिल्डिंग पुरानी 1559 की है सारी। अभी के राजा का राजतिलक 1984 में हुआ। तो लेडीज़ वहाँ कलरफुल ग्लास से बाहर देखती पर्दे से, क्योंकि लेडीज़ पब्लिक फंक्शन में अलाउ नहीं होती थी मुगल आने के बाद, पर्दा प्रथा आ गई थी। अब इधर देखिएगा मंदिर आ रहा है साधु प्रेमगिरी जी का, जिनके आशीर्वाद से महल बना।
इसको बोलते हैं नौचौकी महल, क्योंकि हिंदू संस्कृति में नवग्रह होते हैं। जब भी नया निर्माण होता है तो नवग्रह की स्थापना की जाती है। तो ये हमेशा सभी राजाओं का राजतिलक यहीं पे होता है, इसी चौक में। महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में हुआ, जो 40 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे, राजा बनने के बाद 100,000 चांदी के सिक्कों का दान करते थे, वो जगह दिखाएंगे। था एक तो नीचे मंदिर है, ताकि कोई शूज़ पहन के क्रॉस नहीं करे। जब भी नया राजा बनता, 100,000 सिल्वर कॉइन से इसको भरा जाता, इसलिए इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। ऊपर बालकनी जहाँ चेयर लग रही है उसको बोलते हैं लक्खू गोखड़ा। वहाँ से राजा बैठ के 25,000 कॉइन गरीब लोगों में डोनेट करते, 75,000 जो कॉइन बचते उनका यूज चैरिटी में किया जाता था। मोस्टली टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसे निर्माण कार्यों में खर्च होता था। अंतिम बार भरा गया 1930 में। 1930 में जो राजा थे वो अपने आप में गवर्नमेंट थे, पावर से। 48 के बाद देश आज़ाद हुआ, 47 में, 48 के बाद जो भी राजा बना उनको टाइटल मिला, प्रॉपर्टी मिली, लेकिन पावर्स नहीं मिले। और आज राजा साहब ये है कि 100,000 से कोई दान नहीं करते नए बनते जब, लेकिन हर साल अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें लाखों रुपए अवार्ड के रूप में अलग अलग फील्ड के लोगों को दिए जाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट राजा साहब का फोटोग्राफ जो सामने है। ये हैं साहब उदयपुर के अभी के राजा, श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़। इनका मेन बिजनेस होटल बिजनेस है, 18 होटलों के मालिक हैं। एक पेंटिंग देखिए, ओरिजिनल नहीं कॉपी है। ये महाराणा फतेह सिंह जी इसी लेक पिछुला क्रॉस करके मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ये मानसून पैलेस है जिसको सज्जनगढ़ फोर्ट बोला जाता है। आप महल की सबसे ऊंची हाइट पे आ गए हैं, करीबन आप आ गए हों 60-70 फीट की हाइट पे हैं, लेकिन आपको यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया था, ये महल पहाड़ पे बना है, नीचे पूरा पहाड़ है, माउंटेन। माउंटेन के चारों तरफ वॉल बना के महल तैयार किया गया। और ये जो पौंड दिखाई दे रहा है, ये राजाओं की होली खेलने की जगह है। तो होली का फंक्शन 1755 से लेकर 1955 तक यहीं पर हुआ। 104 पिलर पे बना हुआ है, दिखने में एक जैसे हैं, सभी पिलर्स के डिज़ाइन अलग हैं। अलाइनमेंट देखेंगे, एक जगह खड़े हुई है, आप एक पिलर को देखिएगा दूसरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ से देखिए आप खड़े हो गए। देखिए उस जमाने में संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल होता था, तो ये पुराना पोस्ट ऑफिस टाइम का, और आज की तारीख में उसको व्हाट्सएप कह सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए कबूतरों संदेश लेके जाते थे। ग्यारह में दिल्ली में दरबार लगा, जॉर्ज पंचम भारत आया। उस जमाने में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेके आए। भारत में 500% राजा महाराजा थे, सबको बुलाया गया। यहाँ के राजा फतेह सिंह जी मीटिंग अटेंड करने के लिए निकले, लेकिन एक राइटर ने लेटर लिख के दिया, और लेटर में ये था कि गौरवशाली वंश, महाराणा प्रताप के वंश में पैदा होने वाले लोग, जिन्होंने मुगलों को कभी अपना नेता स्वीकार नहीं किया, तो अंग्रेजों को अपना नेता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली गए, दिल्ली से वापस लौट के आ गए, उनकी वो चेयर खाली थी जो अंग्रेजों ने गिफ्ट के रूप में भेजी। तो ये उदयपुर के राजाओं के स्वाभिमान का प्रतीक है ये चेयर, कि मेवाड़ कभी किसी के सामने झुका नहीं, न मुगलों के सामने, न अंग्रेजों के सामने, यहाँ किसी का डायरेक्ट शासन कभी नहीं रहा। तो ये चेयर गिफ्ट के रूप में आई, दोनों घोड़ों की जो पेंटिंग लग रही है ना, ये भी गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों ने यहाँ भेंट किए राजा साहब को। यहाँ से डाउन में पूरा शहर दिखाई दे रहा आपको। ये दो गुंबद बने हुए, एक में जल घड़ी लगी हुई जहाँ पानी भरा जाता है, एक था एक घंटे में सारा पानी उतरता है, घंटा बजाया जाता है, शहर को टाइम का मालूम पड़ता है। इधर वाली जो गुंबद है उसमें नगारे रखे हुए हैं, पहले जब राजाओं की सवारी बाहर जाती तो नगारे बजाए जाते, अब मंदिर की आरती होती है जब बजाए जाते हैं। और वो वॉल आपको नीचे दिखाई थी हाथियों की लड़ाई वाली, वही वॉल यहाँ से भी दिखाई दे रही है। लेकिन लास्ट लड़ाई का जो फोटोग्राफ है ओरिजिनल, वही देखने को मिलेगा आपको। 1951 में इस तरीके से हाथियों की फाइट कराई गई थी, जिस हाथी के पैर टच हो गए वो हार गया। अब आपको दिखाएंगे शीश महल, राजा रानी का बेडरूम, जो 1620 का बना हुआ है। इसको बोलते हैं कांच की बुर्ज। इसकी छत भी कांच की है, वॉल भी कांच की, फ्लोर भी कांच का। दोनों दरवाजे देखिएगा, हाथी दांत के दरवाजे। इसमें रूम बना हुआ 1620 का, ग्लास का वर्क हुआ है 1861 से लेके 1874 के बीच में। इसकी सीलिंग बड़ी सुंदर आप देखिएगा। कांच क्यों लगाते, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, आप एक कैंडल या दीपक जला देंगे तो पूरा कमरा रिफ्लेक्ट हो जाता था। और ये विंटर बेडरूम था, उस जमाने में रूम हीटर नहीं थे, एक मशाल जला देंगे कांच बहुत जल्दी गर्म होता था, हीटर का काम भी करता था। तो विंडोज आमने सामने सारी। तो पूरे महल एक तो चूने के पत्थर में बना हुआ है, ये क्रॉस वेंटिलेशन। चूने की क्या खासियत होती है, गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है, इसलिए महल गर्मी में भी ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म रहेगा। ये पंखा देखिए, 170 साल पुराना, इटली से आया हुआ केरोसिन वाला फैन। ये ब्लू टाइल्स चाइना की, 300 साल पुरानी। ये विंडो वाली टाइल्स हॉलैंड की है। ऊपर जाएंगे पूरा शहर का व्यू है आपको, उदयपुर दिखाई देगा 75%, उधर से पूरी लेक दिखाई देगी। उससे पहले अब आपका एक यहाँ फोटो लेंगे, कलरफुल ग्लास के यहाँ, यहाँ खड़े हुई आप दोनों।
बीच वाली विंडो से रानी पब्लिक फंक्शन देखती, होली दिवाली दशहरा, कलरफुल ग्लासेज है, रानी को बाहर से कोई देख नहीं पाएगा, रेड कलर का मैनुअल फैन है, एक दास ही बैठती, हाथ से लाने वाला पंखा, या दरवाजा हाथी दांत का था जो पास में फ्रेम कर दिया, या रानियों का आना जाना था, तो इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होता था राजाओं का। तो महाराणा भीम सिंह जी के टाइम का है ये 5000 साल पुराना गेम, महाभारत वाला चौपड़ गेम, एक चेयर है कश्मीर से आई हुई है। इधर विंडोज हैं रानियों के सूर्य दर्शन के लिए विंडो, यहाँ 17 विंडो है जहाँ पे रानियाँ आके, पूर्व दिशा है तो सूर्य भगवान की पूजा यहीं से करती। उस जमाने में ये विंडोज नहीं थी, पर्दे लगते थे, कर्टन से रानियाँ बाहर की तरफ देखा करती थी। देखिए ये जो पोर्ट्रेट लग रहा है, ये उदयपुर के आखिरी ऑफिशियल राजा हैं महाराणा भूपाल सिंह जी, 1930 में राजा बने, 55 तक राजा रहे, इन्हीं के टाइम में देश आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, राजस्थान के राजाओं में इन्होंने मर्ज किया था इंडिया गवर्नमेंट में सबसे पहले, लेकिन 18 साल की उम्र में घोड़े से गिर गए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, चलने में दिक्कत थी, तो एक व्हीलचेयर आई इंग्लैंड से इनके लिए, उनका बेड, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, उस जमाने में टॉयलेट थे लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, एक लकड़ी वाला वेस्टर्न टॉयलेट बनाया जहाँ जाते साथ में जाता, गोल्ड का यूज है इसके अंदर, बेस कॉपर का है, गोल्ड प्लेटेड है, एक सूरज इधर है जो बाहर से दिखाई देता आम जनता के लिए, नीचे जाएंगे वहाँ से दिखाई देगा, और ये पेंटिंग है यहाँ की फेमस साड़ी लहरिया बांधी की पेंटिंग बनी है, पेंटर ने पेंटिंग ऐसे बनाई है जैसे ज्वेलरी भी नजर आ रही है अंदर, देखिए साड़ी पहन रखी हुई है। पहले राजाओं का बर्थडे होता, सोने चांदी का दान होता, तुला दान, इसके लिए वेंग स्केल रखा है, यहाँ राजा बैठते ऊपर कांटा घूमता है, उससे बालू पड़ता जितना वजन होता सोने चांदी का दान किया जाता है। मोर बने हुए कांच के, ये कांच का वर्क 1874 का है, ग्लास इनले वर्क, बीच में राजा बैठते दोनों तरफ रानियाँ, तो यहाँ फैमिली फंक्शन की जगह है, ये कांच काले पड़ गए तो 2004 में इनको क्लीन कराया गया, जिसका फोटो लग रहा बिफोर एंड आफ्टर। ये कांच सारे बेल्जियम से आए हुए, 1842 के ग्लासेज हैं, इसका नाम है माणक महल, बीच में राउंड टेबल है जिसको बाजोट बोला जाता है, तो यहाँ राजाओं का ब्रेकफास्ट लगता, नीचे मंत्री लोगों का, नीचे राजा का ऊपर, तो टेम्परेरी रूम था ब्रेकफास्ट के लिए, बारिश के मौसम में यूज में आता था, और इसका नाम है माणक महल, 1620 का बना हुआ है, और ये 1973 की वर्किंग किचन रही, यहाँ पे खाना नहीं बनता था, ये भगवान की बाल भोग की रसोई है, यहाँ पे भगवान का प्रसाद बनाती रानी अपने हाथ से, इधर कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं, और इधर देखिए आप पुराना लेडीज का फिटनेस सेंटर कैसा होता था, हर घर में होता था ऐसा फिटनेस सेंटर। तो ये राजमाता गुलाब कंवर जी का प्राइवेट अपार्टमेंट है, सामने उनका बेड रखा हुआ है, 3 पूजा के मंदिर है अंदर, जो भी तस्वीर है भगवान से रिलेटेड है, इससे इसका नाम है ब्रज विलास, उनका सिल्वर का बेड, केरोसिन वाला फैन, आगे आगे देखिए भगवान का झूला है, सावन महीने में भगवान को झूले का मनोरथ कराते हैं तो झूला झुलाया जाता है, भगवान कृष्ण के लिए झूला है, लेडीज मेहमानों के यूज में आता है, झूमर इंग्लैंड का है, केरोसिन वाला बड़ा पंखा है, पान बॉक्स है, सिगड़ी, तो ये सारा का सारा सेटअप 1973 का था, वैसा का वैसा रखा हुआ है, जो भी रानी से मेहमान मिलने आते लास्ट में यूज में लिया राजमाता गुलाब कंवर जी ने। अब देखिए राजस्थान में एक फेमस फेस्टिवल आता है गणगौर, तो ये गणगौर का मंदिर है, गणगौर की सवारी रखी हुई है, उदयपुर में एक जगह है गणगौर घाट जहाँ पे सारी सवारियों का मिलन होता है, तो ये गणगौर जयपुर की भी फेमस है, उदयपुर की बोट में निकलती है गणगौर की सवारी, और ये गीजर पानी गर्म करने का, कोयले से पानी गर्म होता, ये कुछ हथियार रखे हुए रानियों के, और इधर लेडीज का आर्मर पूरा, एक बेड बना रखा है डेमो के रूप में, इस तरह के बेड होते थे रानियों के, छोटा रूम है तो डेमो के रूप में छोटा बनाया के दिखाया। सामने भी एक रेस्टोरेंट चलता है, साल भर से चल रहा रेस्टोरेंट, जहाँ दाल बाटी खिलाई जाती है 150 रुपये पर पर्सन में, और फूड बहुत बढ़िया है, और ये पूरा महल आ गया, अपन यहाँ से एंटर हुए थे इस मेन गेट से, बड़ी पोल से त्रिपोलिया होते यहाँ से अंदर आए, राजा का महल देखा, ये रानी का महल है, ये रेजिडेंस है अभी राजा साहब का, अगर बोट राइड की तरफ जाते हैं तो इस तरफ ये रेजिडेंस आता है राजा साहब का। अभी हम एग्जिट के बहुत नज़दीक है और ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे आके दाल बाटी खा सकते हैं। पूरा पैलेस घूमने के बाद आपको दाल बाटी खानी ही पड़ेगी,
इतना चढ़ना उतरना चलना है पैलेस के अंदर, घूमने में आपका 2-3 घंटा निकल जाएगा और बाद में आपको कुछ ना कुछ खाने का मन होगा। तो ये सुविधा अच्छी है कि पैलेस के अंदर ही दाल बाटी का मतलब ऑप्शन है, आप खा सकते हो दाल बाटी। 2011 में राजा साहब की, राजकुमारी साहब की शादी हुई, गुजरात से बरात आई थी संतरामपुर से, उन्हीं की शादी के लिए बना। 350 किलो चांदी का यूज़ है लगभग इसमें, और एक मंडप में हमारे एक ही शादी होती है। नई शादी जब होगी उसके लिए नया मंडप बनाया जाएगा, तो इसको म्यूज़ियम को डोनेट कर दिया गया है। अभी हमने पूरा महल अच्छे से घूम लिया है, ये प्रदीप सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको सब समझाया, सब घुमाया, तो अभी इनको बाय बाय कहते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हमको घुमाया, धन्यवाद सर। दोबारा आइएगा आप। अभी आ गए वापस पूरा महल घूम के, और अभी ये दाल बाटी खा रहे हैं। अभी ये दाल बाटी हमको बहुत अच्छी लगेगी, हमको खाने से पहले से ही पता है, क्योंकि इतना थक गए हम 3 घंटा पूरा घूम के, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरा मेल घूमने में 2.5 घंटा लगा हमको। हम एंटर हुए थे 9:30 बजे, अभी 12 बजे है, तो अभी ये दाल बाटी खाएंगे, बाद में जाएंगे होटल पे। अभी उदयपुर के राजा के महल में वडोदरा का राजा दाल बाटी खा रहा। तो सिटी पैलेस विजिट करने के बाद सेम डे इवनिंग में हम जग मंदिर गए थे, उसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में 2 शब्द अच्छे लिख के जाना। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।